हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेहर की जहां में आप सबका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं, आप भी पीछे काफी कपड़े रखे हुए, क्योंकि रात से मैंने स्टार्ट किया है आपके साथ अपनी व्लॉगिंग। और आज मैं आपको एक मेकअप रिव्यू देना चाहती हूं। तो वो मेकअप का प्रोडक्ट मैं लेके आई थी, जिसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। तो गाइज, आप जाइएगा नहीं, मेकअप प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो अभी फिलहाल मैंने थोड़ा सा आंखों के ऊपर मेकअप किया हुआ है और लेस लगाया है, बाकी मैं ब्लश करके आपको दिखाती हूँ, लगाती हूँ। आप भी बताइएगा कि कैसा हुआ ये ब्लश। तो गाइस, ये है हुदा का ब्लश, है क्रीमी बेस पे ब्लशेस, जिसका नंबर है 03, कलर है डॉल्स वीटा। तो ये इतना जबरदस्त ब्लश है गाइस, इसको मैं थोड़ा सा लूंगी और लेने के बाद मैंने अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर। आप देखेंगे क्या इसके जबरदस्त रिस्पांस आएंगे। ओहो, अच्छा, ये आप लोग को डार्क लग रहा होगा ना कि बड़ा डार्क आया। ये ब्लश ऐसे करते करते ना लाइट हो जाता है। क्रीम ब्लश है इनका, क्रीम सा और बहुत जबरदस्त है। आपको जितना टोन चाहिए ना, बस उतना ही आप ले सकते हैं। ज्यादा भी अगर लग गया है ना, तो वो कोई मसला नहीं, वो छूट जाएगा बहुत अच्छे से। थोड़ा सा आप यहाँ पे भी अप्लाई कर ले, थोड़ा सा यहाँ भी। तो ये मेरा थोड़ा सा फैल गया था, लेकिन आप देखें कि कितना लाल था ना, लेकिन मैंने फिर भी इसे कितना सही से साफ कर दिया और प्यारा सा कलर आया है बिल्कुल। तो फ़ोन मैंने स्टैंड में नहीं लगाया, क्योंकि बच्चे हर स्टैंड को ख़राब कर देते हैं। तो मैंने मोबाइल वानिया के हाथ में दिया, मैं इसलिए जुड़ा कर रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से देख सको कि ये ब्लश इसका कितना प्यारा कलर आया है। ब्लश का टिंट से बिल्कुल डिफरेंट है। कल मैंने थोड़ा सा डार्क वाला लगाया था, लेकिन आज ये बिल्कुल मैंने लाइट कलर दे दिया इसके साथ। तो ये अभी देखिए कितना तेज कलर था ना, धीरे धीरे बॉडी में ही अब्जॉर्ब हो रहा है और कलर इसका लाइट हो रहा है। और कैमरे में फिर भी इतना प्यारा नहीं दिख रहा है जितना ये रियलिटी। द नेक्स्ट डे गाइज, कैसे हैं आप सब? तो फिर से आ चुका है एक नया दिन, और नए दिन के नए सूरज के साथ नई शुरुआत। तो मैं सबसे पहले इस शुरुआत के साथ कहना चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लंबी उम्र दे, बहुत 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 हमेशा साया बनाए रखे। क्योंकि आज भी उन्होंने सुबह उठ के हम लोगों को बोला कि नाश्ता नहीं बनाना, हम बाहर चल रहे हैं नाश्ता करने। और ये एक वाइफ के लिए बहुत बड़ी बात होती है, खुशी का ठिकाना नहीं सुबह नाश्ता ना बनाना पड़े। तो हम पहुँच गए डिफेंस मास्टर जूस पे। यहाँ 16 में तीन एसी चल रहे थे गाइस, 16 के उस पे। तो मैंने बोला भाई ये बंद कर दो, क्या शिमला बना के रखा हुआ है, वैसे ही ठंड बाहर कम है क्या? फिर उन्होंने बंद कर दिया। और फिर उसके बाद हमारा नाश्ता आ गया। तो यहाँ का स्पेशल नाश्ता ये है, जो चने की आपको सब्जी मिलेगी और पूरियाँ। इनका सबसे बेस्ट है अचार और दही, बहुत ही ज़बरदस्त, उसके बेस पे आप सारा खाना खा सकते हो। मैंने सिर्फ एक ही पूरी खाई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पिंपल वैसे ही मेरे फेस पे हो रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए एक शेक मंगवाया जो स्ट्रॉबेरी का था, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखती हूँ कि उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सबसे पहले विटामिन सी पीना था, फंसी, और रोजैन ने एक एक बनाना शेक लिया। और फिर हम निकल चल चुके घर को, निकल पड़े घर को, सॉरी टू से। तो गाइज, यहाँ पे बच्चों ने किंडर जॉय खरीदा था, यार मेरे तो होश उड़ गए। 300-300 के दो किंडर जॉय मिले, और इन्होंने किटकैट ली थी 270 की, एक ने 270, एक 270, मतलब 1000 में सिर्फ दो इतने छोटे से थोड़े से सामान मिले और हम घर के लिए आ गए। अभी अभी मैं बिल्कुल नमाज पढ़ चुकी हूँ और मायरा का दूध मैंने चढ़ाया है, क्योंकि हम लोग आए तो मैंने सारा काम किया। हमीदाबाजी नहीं आई और ये अब आई है, जब मैं सारा काम कर चुकी तो सिर्फ बर्तन धोना इनके ऊपर पड़ा है। मेहरबानी मेहरबानी कर ले, अल्लाह तुझे जिंदगी दे भाभी, मेहरबानी मेहरबानी। सिर्फ बर्तन बचा है, बाकी पूरा घर तो मैंने ही साफ कर लिया। हाँ हाँ, बस झूठ बोल रहे हैं आप। गैस आती नहीं जुमे के दिन, तो लगता है गैस की लोड शेडिंग ऐसी कर दी है कि बिल्कुल गैस नहीं आएगी, सिलेंडर पे ही चढ़ाओ। आज जुमा है, हाँ दूध चढ़ा दो हमारा का पहले। देखो दूध में नीचे कितनी गंदगी सी दिखी थी, ये अंदर है पैकेट में, देखे भाभी ना, देखो कितनी गंदगी दिख रही है, मिट्टी मिट्टी रहती है। हाँ मिट्टी मिट्टी रहती है, मैं हर बार यही देखती हूँ, मैं तो समझ नहीं आता। हिलाऊँ ना तो अभी देखो ये निकलेगी ऐसे करके, छान दो इसको तब भी नहीं पता चलती किधर गई। हाँ वही तो, ये इसमें होता है।
सारा काम खत्म हो चुका है, अमिताभ जी जा चुकी है, मायरा को मैंने सुला दिया था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर आपसे बस बात करती हूँ और उसके बाद अब अपना व्लॉग एंड करती हूँ। गाइज अभी कुछ दिनों से ना मेरे व्लॉग में थोड़ा सा आप ये देख रहे होंगे कि मैं प्रॉपर आ भी नहीं पा रही, और दूसरे ये हो रहा है कि पूरी तरह से वो मैं नहीं अपना दे पा रही हूँ बेस्ट जो मैं हमेशा देती थी, ठीक है। लेकिन यार इस टाइम पे ये चल रहा है कि एक तो मेरे जहन में इतनी तकलीफ टेंशन चल रही है कि बच्चों का मेरे वीज़ा नहीं आया, ठीक है, दूसरे मेरे जाने के दिन करीब आ रहे हैं कि बस मुझे निकलना ही निकलना है हर हालत में, तो ये अलग मेरे सर पे मतलब बोझ आप सोच सकते हैं एक मदर होने के नाते कि एक मुल्क को छोड़ के जाना है और उसी मुल्क में अगर अपने बच्चों को भी छोड़ना पड़े तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ मेरे जहन पे है। तो ये दो रीज़न है, तीसरा ये कि थोड़ा सा शॉपिंग में भी चल दिन गुजर रहे हैं कि कुछ ख़रीदना लेना लोगों के लिए कि इतने दिन के बाद बंदा जाएगा तो अपनों से मिले थोड़े तोहफे तवायफ उनके लिए, तो बस इसी वजह से ना बड़ा बिजी सा रूटीन जा रहा है और थोड़ा अफसोस भी दिल में रह रहा है कि फंसी भी यहाँ पे अकेले रहेंगे। अच्छा इसी में क्या हो रहा है ना कि मैं इतना टेंशन रही हूँ, कहते हैं टेंशन होने से ना पिंपल्स भी आपके आ जाते हैं, इस दाने का दाग 6 महीने से मैं मेहनत कर रही थी कि एक बार 6 महीने पहले ये दाना निकला था कि इस दाने का धब्बा चला जाए, अब उसका धब्बा ख़त्म हुआ था तो उसी जगह पे सेम वही दाना फिर से बाहर निकल आया है और 3 दिन हो गया इस दाने को और दबने का नाम नहीं ले रहा, इतना मोटा सा निकला हुआ है, पता नहीं क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा, चेहरा ही अपना नहीं लग रहा मुझे तो, इतना लग रहा है मेरा चेहरा ही बदल गया है, चेंज चेंज सा हो गया है। और दूसरे ये भी दिमाग पे रहता है यार इतने दिनों से व्लॉगिंग कर रही हूँ, ऐसे पहले मैलो मैलो का चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, ऊपर निकलते चले जा रहे हैं, अपना है यार अपना कोई वही नहीं होता, सोचती हूँ व्लॉगिंग के बजाय शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दूँ, शॉर्ट बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, ये नहीं है कि पैसे या सब्सक्राइबर, लेकिन जब इंसान जब इन चीज़ों पे आगे बढ़ता है और उसे व्यूज़ अच्छे मिलने लगे या उसे जो है क्या कहते हैं अच्छे सब्सक्राइबर आ रहे हैं लाइक्स आ रहे हैं ना, तो मोटिवेट होता है, मतलब उस काम में इंटरेस्ट आने लगता है, खुशियाँ मिलने लगती हैं, तो इसीलिए ना दिल थोड़ा सा उदास उदास सा कभी कभी हो जाता है कि मन उदास सा है, खैर कुछ भी नहीं यार, जो नसीब में होना है होगा ही, मिलते हैं ना अदर व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करते जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाय बाय।